हाय, आई एम बैक। हमने कंटिन्यू किया इरफान जुगनू के ऊपर, उसकी जो लाइव वीडियो थी उसका मैं जवाब दे रही हूँ। अच्छा, अब काम शुरू हुआ। मैंने आपको बताया 2-3 महीने गुजर गए, मैं इंडिया में थी, इसने मुझे कुछ दिया नहीं। वहाँ पर भी टाइम डिफरेंस का इशू है और मैं चाह रही थी कि मेरी वहाँ शॉर्ट मूवी बन जाए। आपको पता है, इंडिया में तो सारे वीडियो बनाते हैं, सारी मूवीज़ बनती हैं। इसने मुझे बहुत तंग किया। हर दूसरे दिन मेरे यहाँ पर कॉन्सर्ट हो रहे हैं, शादियाँ हो रही हैं, पार्टियाँ हो रही हैं, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। तो मुझे इसने गुस्सा दिलाया और मैंने उसको कहा कि अगर आपके पास टाइम नहीं था तो आपने मुझसे क्यों ये कहा कि मेरे घर में प्रॉब्लम है, मुझे पैसे चाहिए हैं, मैं फ्री काम नहीं कर सकता। इसने वहाँ भी मुझसे झूठ बोला और मैंने खुदा तरसी में इसको $100, आई थिंक बिगिनिंग ऑफ क्रिसमस नहीं, बिगिनिंग ऑफ दिसंबर ही पैसे भेज दिए। वो भी मेरे पास रसीट है, अगर आपको चाहिए होगी तो मैं डेफिनेटली आपको वो रसीट दूंगी, दिखाऊंगी। एनी हाउ, जब ये हुआ तो मैं इसके पीछे पीछे और ये आगे आगे। एनी हाउ, फिर उसके बाद मैंने फरा को भी बताया कि ये मेरे साथ ऐसी चालाकियाँ मकारियाँ कर रहा है एंड आई डोंट लाइक दैट। मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने आपको कोई फ्रेब नहीं दिया, मैंने आपको पैसे भी एडवांस दे दिए। अब चूंकि आपके पास पैसे भी आ गए हैं, इसलिए आपके नखरा, जिसे हम एक्टिंग कहते हैं, शो ऑफ कहते हैं, वो दिख रहा है। तो आप इतना बिजी हैं, आप इतने फेमस हैं, आप इतना काम करते हैं, लेकिन आपकी हरकतों से और बातों से तो मुझे कुछ भी ऐसा लगा ही नहीं। मैंने बहुत सारे लोगों को वहाँ इसके बारे में इन्वेस्टिगेट बाद में किया, जो मेरी गलती है, मुझे पहले करना चाहिए था। मैंने फेस वैल्यू पे, जो आपका फेस है उसको देख के, मैंने खुदा तरसी में खुदावंद के लोग कह के तो दे दिया काम, दे ठीक है करे। मैं तो अपॉर्चुनिटी दे रही थी, मेरे माइंड में ये था कि चलो अगर इसने इतना पढ़ा है, इतनी इसकी एक्सपोजर है, तो मुझे भी फायदा होगा कि मेरे साथ एक क्रिश्चियन भाई इकट्ठा हो जाएगा और हम मिलके काम करेंगे। फिर फरा ने भी कहा कि जब मैं सेटल हो जाऊंगी तो मैं वहाँ आके इस्लामाबाद में आपके साथ काम करूँगी, तो वो भी इसने मुझे होप दी। अब ये दोनों तो गायब हो गए, मेरे पैसे भी गए, दिसंबर पूरा चला गया, 3 महीने गुजर गए। उसके बाद जब जनवरी को मैं वापस आई कैनेडा, तो इसने मुझे वहाँ पर भी धोखा दिया। कहने लगा कि ओ, मेरे भाई की शादी आ रही है, मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं बहुत बिजी हूँ। उसकी मेरे पास सारी टेक्स्ट मैसेजेस हैं, सारी वॉइस मैसेजेस हैं, वो भी मैं आपको अभी सुनाती हूँ, थोड़ी ही देर में आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। और जब आप कॉमेंट करें तो आप, जैसे कहते हैं ना, कौवा कान ले गया, वो ना करें। आप अक्ल का इस्तेमाल करें और गलत को गलत कहें और सही को सही कहें, और जो गलत कर रहा है उसको बढ़ावा मत दें। क्यों? क्योंकि अगर आज उसने ये गलती की है, पता नहीं पीछे कितने लोगों को ये चीट करता होगा, कितने लोगों के साथ ये रोज झूठ बोलता होगा, कितने लोगों का पैसा ये बर्बाद करता होगा। टाइम इज मनी, मेरा तो टाइम इसने बहुत ज़ाया किया है। तो मैं आपको जो मेरे फ़ोन पे मैसेजेस इसके आए हैं वो भी मैं आपको इस कोशिश करूँगी कि मैं अटैच कर सकूँ। आई एम नॉट अ वेरी टेक पर्सन, बट मैं कोशिश करूँगी कि वो मैं अटैच कर सकूँ ताकि आप वो भी पढ़ लें। बट इसकी जो वॉइस मैसेजेस हैं, मैं वो ज़रूर आपको सुना देती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये कैसा आदमी है। अच्छा, इसने मुझे कहा कि मैं आपको पैसे भेज रहा हूँ, भेज रहा हूँ, भेज रहा हूँ। तो वो भी मैसेजेस इसके यहाँ हैं जो इसने कमिट किए थे 1-1.5 साल पहले, जो दिए ही नहीं, आज तक दिए नहीं। और अब अपनी जो लाइफ फेसबुक है उसमें डिनाई कर रहा है कि मैं तो दूंगा नहीं। यानी आप एक तो चोर, ऊपर से चतर, तो आप तो बहुत चालाक है, बहुत होशियार हैं, बहुत स्मार्ट समझते हैं, आपको लगता है दुनिया बेवकूफ़ है, किसी को कुछ पता ही नहीं कैसे काम करना है। ऊपर से आप मुझ पर इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं। अपनी जो लाइव वीडियो है उसको दोबारा आप देखिएगा, इरफान जुगनू जी, आप उसको पढ़िएगा, सुनिएगा और किसी को दिखाइएगा कि आपने क्या बोला है। आपने ये कहा कि मैं लोगों को 5,000-6,000 दे के तो वीडियो बनाती हूँ। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, अगर आपके पास एक भी शख्स पैदा हो जाए, है तो नहीं, पैदा करें अब आप कहीं से, उसको पैदा करके मेरे सामने खड़ा करें और उसके पास मेरी तरफ से आया हुआ वो 5-6 हज़ार जो आपने क्लेम किया है अपनी वीडियो में, वो दिखाएं। तो अगर आप मर्द के बच्चे हैं ना, अगर आपके अंदर जरा सी भी इंसानियत है, खुदा का खौफ है, आपको ये करना पड़ेगा। आपने जो मुझे चैलेंज किया है वो तो अब आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है। सो यू हैव टू प्रूव दैट वीडियो। आप वो वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो के अंदर वो रसीद लगाएंगे और मुझे आप ईमेल करेंगे और मुझे प्रूफ करेंगे कि मैं उस पैसे को भेज कर वीडियो बनवाती हूँ। ठीक है, पहला झूठ वो आप मुझे प्रूफ करें।
दूसरा झूठ, आपने बोला मैं क्वेटा गई, मेरा तो कोई क्वेटा से लेना देना ही नहीं। मेरी जो स्टोरी है वो सिर्फ और सिर्फ ऑल सेंट चर्च पेशावर के ऊपर है, और वो सुपर नेचुरल स्टोरी है। वो तुम्हारे जैसे घटिया लोगों को समझ नहीं आएगी कि वो स्टोरी क्या है, उस स्टोरी में क्या था और क्या नहीं था। वो उनको सिर्फ समझ में आती है जिनकी स्पिरिचुअल आई, स्पिरिचुअल ईयर्स खुले होते हैं। ऐसी जो छोटी छोटी लोमड़ियाँ हैं ना, जो पाकिस्तान में आग लगाती हैं, दिस इज यू। सो यू डोंट नो कि स्टोरी क्या थी। ऐसे बड़बड़ 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 कर देना, मीडिया पे आ जाना, अपने हेयर स्टाइल बनाते रहना, शो ऑफ करना, यू आर टू शो ऑफ, यू हैव नो सेंस व्हाट यू सेड। तो जब इंसान मुंह खोले ना, तो पहले अपने मुंह के अंदर अल्फाजों को तैयार करना चाहिए। मुंह फट करके, कुछ भी बकवास करके, कुछ भी गंद फेंके, कुछ होने वाला नहीं है। मुझ पर कोई असर नहीं हुआ, मुझे कोई हर्ट नहीं हुआ, मेरे पास हर चीज़ का एविडेंस है। मैंने किसको, कब, कहाँ, कितने पैसे भेजे, उसके भी एविडेंस है, क्योंकि मुझे टैक्स भरना होता है, मेरे पास लीगल मनी यहाँ आता है, मुझे लीगल मनी ट्रांसफ़र हुआ है। सो आई डू एवरीथिंग लीगल। मुझे तुम्हारी तरह झूठ बोलना नहीं आता। हम जिस मुल्क में रहते हैं, यहाँ झूठ, चकारी मकारी, फरेब, धोखे, लोगों के पैसे खा जाना, लोगों को गालियां देना, एक काम भी ना करना, फिर उसको तड़ियां भी देना, ये सब नहीं आता। ना पहले वहां आता था और ना यहाँ आता, ना मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया और ना ही मैं आगे किसी को सिखाती हूँ। करना है हाँ, नहीं करना ना, सिंपल। ना आप किसी का टाइम वेस्ट करें, ना कोई आपका टाइम वेस्ट करे, और ना ये बकवास और ना ये बातें यहाँ तक पहुँचे। सो यू हैव नो मैनर्स, जो मैं शुरू दिन से बोलती आई हूँ। यू हैव नो एटिकेट्स, अगर नहीं समझ में आते तो डिक्शनरी खोले, क्योंकि मैं मीनिंग नहीं समझाऊंगी। यू हैव नो वैल्यू, यू हैव नो रिस्पेक्ट फॉर वुमेन इवन। तो मैं कुछ मैसेजेस आपको सुनाती हूँ, ये मेरे फ़ोन पे हैं, जो इसने मेरे लिए बकवास की है, वो आप खुद ही सुन लें, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। मेरे लाइफ में एक मकसद सिर्फ ये है, एक मसला है, मसला तो करना ही है, एक चीज़ डिस्कस करनी थी मैंने आप सब लोगों के साथ, और एक खातून के बारे में बताना चाह रहा हूँ। एक खातून है हन्ना रतनाम के नाम से, फेसबुक के ऊपर है, और आप लोग देखेंगे तो वो। पहली बात, आपको मैनर्स भी नहीं है कि किसी का नाम कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। मेरा नाम हैना, हन्ना नहीं है, हैना। मेरे हस्बैंड का नाम है रत्नम, रत्नम। आपको तो इंग्लिश भी बोलनी नहीं आती, आपको तो स्पेलिंग भी नहीं आते। एनी हाउ, आगे चलते हैं। मैं उसके बारे में कुछ बताना चाहूंगा कि जो पेशावर के अंदर जो अटैक हुआ था, पेशावर बम का अटैक हुआ था, वो अब यहाँ पर इरफान जुगनू कह रहा है कि पेशावर में बॉम्ब फटा था कि पता नहीं फटा था, कि ये भी नहीं पता कि किस इवेंट की ये बात हो रही है, कौन से ब्लास्ट की बात हो रही है। हाउ इग्नोरेंट यू आर, हाउ इलिटरेट यू आर, दैट यू कैन नॉट गिव अ करेक्ट रेफरेंस इवन। यू डोंट नो इवन द स्टोरी कि मैं किस चीज़ पे काम कर रही हूँ। देन हाउ कैन यू मेक एनी लोगो, हाउ कैन यू क्रिएट एनी मूवी। एनी हाउ, लेट्स गो टू फर्दर। उसकी फुटेज ये लेके फेसबुक से या पैसे दी के सिक्योरिटी गार्ड्स को या बाकी इस तरह के लोगों को, अगेन अकॉर्डिंग टू जुगनू, इरफान जुगनू, कहना इनका ये है कि मैंने किसी सिक्योरिटी गार्ड को पैसे दिया। अगेन, आपका दिमाग काम करता है? वो तो पहले भी मुझे पता था नहीं करता, सो आज तो बिल्कुल भी नहीं करता। जो वीडियो भेजी, जो अपने अपने लाइफ भेजा, ये उसी की रिकॉर्डिंग मैं सुना रही हूँ। तो पहली बात कि कोई भी सिक्योरिटी गार्ड वहाँ था नहीं जब ब्लास्ट हुआ, सब बेचारे मर मुर गए, किसी की क्या हालत थी, वहाँ कोई था नहीं। तो मुझे तो पता भी नहीं आप किस ब्लास्ट की बात कर रहे हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता आप किस सिक्योरिटी गार्ड की बात कर रहे हैं। अगर आपके पास एविडेंस है, क्योंकि आपने क्लेम किया है, आपने उस फेसबुक पे ये स्टेटमेंट दी है, अब आपको तो ये प्रूफ करना पड़ेगा कि कौन सा सिक्योरिटी गार्ड था, कितना सिक्योरिटी गार्ड था, कितने लोग थे। बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस हैं, मैं आपको पूरे मैसेजेस दिखा देती हूँ, इसमें काफ़ी टाइम लगेगा समझने में, करने में। रोशनी बहुत आ रही है,
आई डोंट नो इफ यू कैन सी दैट. एनी हाउ, सो ये जो मैसेजेस हैं ये काफ़ी लंबे चौड़े हैं. मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता उनके हर सवाल पे, नट सवाल, हर स्टेटमेंट पे जवाब ज़रूर दूंगी. तो दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि मैंने फुटेज कहीं से ख़रीद लिया. अगेन यू आर वेरी इलिटरेट एंड यू आर वेरी इग्नोरेंट. जो फुटेज होता है वो हमेशा, जब ये 2013 की बात हो रही है, आज की कल की बात नहीं हो रही, और जब मेरी तुम्हारी मुलाकात हुई दैट वाज नॉट 2 years ago, रफली 1.5 years ago, तो ये फुटेज तो बहुत पुराना हो गया है. अब इस फुटेज को लेने के लिए तरीका ये होता है, जो आपको शायद आता ही नहीं, समझ ही नहीं, मुझे पता है यू डोंट नो बिकॉज यू आर वेरी इलिटरेट. तो इसका फुटेज लेने का तरीका ये होता है कि आपको जो न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो, जो भी जगह ये फुटेज था वहाँ उनके आर्काइव्स में कांटेक्ट करना पड़ता है. उस आर्काइव में, चूंकि ये 2013 का था इवेंट, मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि इट्स यू क्लेम कि ये था कुछ, तो यू टेल मी कि कौन सा इवेंट हुआ था. और उसमें जो आपने फुटेज की बात की है उसको ख़रीदना पड़ता है. हर फुटेज की, एक वीडियो की या एक पिक्चर की कॉस्ट होती है. तो जाहिलों को तो ये समझ आएगा नहीं क्योंकि अक्ल नहीं है, दिमाग नहीं है, बस बड़बड़ करना आता है, बकवास कर दिए, फूट दिया मुँह, तो ऐसे काम नहीं होता. फुटेज लेने के लिए आपको ऑफिशियली इन राइटिंग भेजना पड़ता है उस ऑर्गेनाइजेशन को. लेट्स से CNN की हम बात करते हैं, BBC की बात करते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो चैनल है, TV है, रेडियो है, उसको मुझे ऑफिशियली लिखना पड़ेगा कि मुझे ये फुटेज क्यों चाहिए है और मैं कहाँ लगा रही हूँ, उसकी परमिशन ली जाती है. सो ऐसे कुछ भी बकवास कर देने से बात नहीं बनती. अपना वैसे तो अक्ल है नहीं तेरे अंदर. तो एनी हाउ, नेक्स्ट विल गो फर्दर. अगेन यू क्लेम्ड विच इज कॉल्ड फ्रॉजरी, विच इज कॉल्ड फेक न्यूज. यू आर अ बिग फेक, यू आर ड्रामा. अगर जो थोड़े थोड़े छोटे छोटे पैसे हैं, जो लोग हैं, कैन यू प्रूव मी दैट, वो कौन लोग हैं, कहाँ के हैं, कौन से इवेंट की बात हो रही है, कौन सी डेट की बात हो रही है, कौन सी वीडियो की बात हो रही है, कौन सा सिक्योरिटी गार्ड था, किसने मैं पैसे लिए, मुझे आपको एविडेंट करना पड़ेगा. जिसने पैसे लिए हैं उसके पास मेरा वेस्टर्न यूनियन या रेमिटली या कोई भी और कैश मनी या कैश पैसा, जो भी वहाँ पाकिस्तान में चलते हैं मनी एक्सचेंज, उसकी रसीद तो आई होगी, राइट? तो वो रसीद मुझे भेजनी पड़ेगी जो तुमने क्लेम किया है, उसको जस्टिफाई करने के लिए. क्योंकि अगेन मैं 100% 110% कन्फर्म हूँ, यू हैव नो एविडेंस. यू हैड जस्ट ओपन योर फिल्थी अगली माउथ जस्ट सेइंग समथिंग विदाउट नोइंग एनीथिंग. सो यू आर अ बिग शिट. तो शिट अपनी अपने पास रखो ताकि किसी और को शिट ना दिखाओ अपनी. सो ये जो शिट दी है इसका एविडेंस देना पड़ेगा और मैं तेरी जान नहीं छोड़ूंगी अब, ठीक है? लेट्स टॉक फर्दर. उनके ऊपर एक फिल्म बनाई जा रही थी, ये खत्म हो गई. फिल्म क्या बनाई जा रही थी, डाटा वही यूज करके थे, डॉक्यूमेंट्री उसने बनाई है, और फॉरेनर से गोरों से इधर उधर से वो पैसे वैसे लेके, तो मतलब ओके. तू उस कोने में, झोपड़पट्टी में कहीं रहता है, तुझे क्या पता कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? हाउ डू यू क्लेम कि फॉरेनर से पैसा ले लिया? अगेन यू हैव टू जस्टिफाई, यू हैव टू प्रूव कि हाँ मेरे पास फॉरेनर आया था और फॉरेनर मुझे पैसा दे रहा था. इट शोज हाउ जेलस यू आर, इट शोज हाउ बिटर यू आर. आपको कितनी तकलीफ हो रही है कि मैंने एक काम कर दिया है और मैं एक औरत होने के नाते कुछ बना रही हूँ. आपको कितनी मुसीबत आई हुई है, कितनी फिल्थ आपके मुँह में है, कितना गंदा दिमाग है, कितनी गंदी सोच है जो आपके अल्फाजों से साफ दिख रही है. हाउ एजुकेटेड यू आर ये भी दिख रहा है. तो अगेन जो गोरा आया, जिस फॉरेनर ने पैसा दिया, उसकी भी रसीद होनी चाहिए. अगर उससे मैंने लिया है तो मेरे मैंने रिसीव किया है, तो जब मैं रिसीव करूँगी तो जिस जो भेज रहा है उसके पास भी रसीद होगी. तो जिस फॉरेनर ने तुझे उंगली की है, सुनाई है, बताई है, उसकी भी रसीद भेज दे तू, तो मुझे वो भी पता चल जाएगा. तो ये सारी बातें मुंह फटने से, गंद फेंकने से, छोटी लोमड़ी का काम करने से काम नहीं चलेगा. तो प्रूफ करना पड़ता है, जस्टिफाई करना पड़ता है. रही बात वो वीडियो बनाने की, अगेन तुझे तो ये भी नहीं पता वो वीडियो कहाँ बनी. वो तो यहाँ US में बनी और वो कनाडा में बनी, पाकिस्तान में तो बनी नहीं. अगेन यू टॉक लाई, यू ऑलवेज टॉक शिट, यू ऑलवेज टॉक सेंसलेस. आई नो यू हैव नो सेंस, पता नहीं दिमाग खुदा ने किधर लगाया है, बट यू हैव नो सेंस. लेट्स गो फर्दर. लूटने वाला प्लान है,
पाकिस्तानियों को फिर से एक दफा, ठीक है, एक तो वो लोग बच गए। अच्छा जी, पाकिस्तानियों को मैं लूट रहे हूँ, पाकिस्तानी क्रिश्चियंस के पास अपने खाने के लाले पड़े हुए हैं, उनके पास अपना दिन और रात और शाम गुजारने के पैसे नहीं, तो मैं उनको लूट रही हूँ। शर्म का मकाम है, डूब मरने का मकाम, बल्कि चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। क्योंकि किसी पाकिस्तानी को जब फोन करो, जब उससे बात करो, जब उसकी सोशल मीडिया पे जाओ, जब किसी का वीडियो, हम मर गए, हम लुट गए, हम मर गए, हमें पैसे दे दो, हर वक्त भिखारियों की तरह तू दे दे, तू दे दे, तू कर दे, तू ला दे, तू। भिखारियों से भी बदतर लाइफ है वहाँ क्रिश्चियंस की। क्या बातें कर रहे हो तुम लोग, किसको सुना रहे हो, किसको बता रहे हो, कौन है ये लूटने वाले? तुम अपने घर में इस लाइक नहीं हो कि तुम अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सको, तुम क्या किसी को दोगे? इस पहले इस लाइक तो बनो, पहले इस काबिल बन जाओ, फिर किसी को कहना कि हाँ हमें लूटा गया है। तुम अपने ही आप में लुट पुट गए हो, तुम्हारी बेतफाकियाँ, गंदगियाँ, गंदी बातें, गंदी सोचे, गंदे ख्याल, लूटना, लोगों को चीट करना, इसी लिए खुदा की बरकत उड़ गई है, इसी वजह से खुदावंद की लानत पड़ रही है सब पे, इसी वजह से पाकिस्तानियों का नाम दुनिया भर में गंदा, खराब, बर्बाद है। तो ये हरकतें जो होती है ना, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, तो जो इंसान बीजता है वही काटता है। सो आपने जो बीजा है वो तो आप काट रहे हैं, आपको कौन लूटेगा? आपके पास है क्या लूटने के लिए, पहले ये तो कोई बताए मुझे। हाँ, अगर कोई मुझे कन्विंस कर दे कि हमारे पास ट्रिलियन डॉलर, बिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी थी, हमारा करोड़ों हजारों डॉलरों की इंडस्ट्रियाँ थी, सवाए झाड़ू पोछे सफाइयों के तो कोई काम नहीं मिलता क्रिश्चियंस को वहाँ, किस किस्म के लूट की बात हो रही है? अगेन योर लायर, योर अ बिग लायर, योर अ बिग फेक, लेट्स गो फर्दर। तो मैं आपको और आप ही के सवालों के जवाब देती जाती हूँ वन बाय वन। ठीक है, और दूसरी बात, जितने भी प्रोडक्शन के लोग हैं, खासकर मेरी फील्ड के जितने भी लोग हैं, वो उस हाथों से बच के रहे। मैं इस वीडियो के साथ उसकी फोटो और उसका फेसबुक अकाउंट जरूर मैं शेयर करूंगा। उसने मेरे से अपना लोगो, अच्छा जी, मीडिया के लोग, ओ माय गुडनेस, सो मेरे प्रोफेशनल के लोग, ओ माय गुडनेस। तो अगेन, पाकिस्तान में कितने क्रिश्चियंस हैं जो फीचर फिल्म बनाते हैं, जो इंटरनेशनली एक्सपोजर रखते हैं, जो क्रिश्चियन होने के नाते किसी भी जगह पर पहचाने भी जाते हैं? एक शादी की तस्वीर बना दी, एक बर्थडे की तस्वीर बना दी, एक वीडियो बना दी, दैट इज़ नॉट प्रोफेशन, दैट इज़ जस्ट हैंड टू माउथ। तो अगर आपको थोड़ा सा कैमरा चलाना आ गया, डज नॉट मीन के यू कैन मेक फीचर फिल्म, यू कैन मेक शॉर्ट फिल्म। आपका लोगो तो इतना घटिया है, वो भी मैं पोस्ट करूंगी, उस पर भी बात करेंगे, वो भी किधर नहीं जा रहा। आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ें क्लियर होंगी, ताकि ए टू जी जो उनके फॉलोअर्स हैं उनको भी समझ में आ जाए कि ये इंसान कैसा है, इसके साथ कैसे चलना है, इसके साथ काम कैसे करना है, ताकि कल को कोई और ना चीट हो और किसी औरत को ये जलील ना करे। मुझे लगता है अपनी बीवी से भी ऐसे ही बिहेव करता होगा, इसलिए इसको आदत है, ये अपनी औरतों को इसी तरह जलील करता है, इसीलिए इसकी आवाज़, इसकी बातें, इसकी हरकतें हैं। लेट्स गो फर्दर, नेक्स्ट टॉपिक। ड्रीम फेमस का और एक डॉक्यूमेंट्री जो है उसकी छोटी सी तरतीब वो एडिट कराई। सबसे पहले अगेन, जाहिल आदमी, इट्स नॉट अ डॉक्यूमेंट्री। मैंने डॉक्यूमेंट्री ना बनाई कभी, ना है, ना मैं बना रही हूँ। सो यू इवन डोंट नो कि आपने किस चीज़ पे काम किया। सो हियर इट शोज़ कि हाउ इंटेलिजेंट यू आर, हाउ केपेबल यू आर, एंड हाउ वेरी वेल यू अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट। सो अगेन, यू आर 110% रॉन्ग हियर। मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है, मैंने आपसे कोई डॉक्यूमेंट्री की एडिटिंग भी नहीं करवाई, आपसे मैंने किसी किस्म का काम और नहीं कराया, सिवाय एक लोगो जो गले में मेरा अटका हुआ है। सो लेट्स गो फर्दर और दूसरी बात सुनते हैं, क्या बकवास हो रही है यहाँ। अच्छा, अगेन, ना मेरी डॉक्यूमेंट्री है जैसे मैंने कहा, ना ही उसमें कोई एनिमेशन लगा है, ना ही मैंने कोई काम करवाया, तो मुझे नहीं पता कि किस डॉक्यूमेंट्री की बात हो रही है। मुझे लग रहा है कि ही इज़ वेरी कन्फ्यूज्ड मैन, ही डजंट नो व्हाट ही इज़ टॉकिंग। मुझे लग रहा है कि ही हैज़ नो सेंस के बना क्या है। तो अगेन, यू आर रॉन्ग, वेरी वेरी रॉन्ग।
तो जो पैसा दिया गया है ना वो डॉक्यूमेंट्री का है, ना ही वो एडिटिंग का है, और ना ही ये पैसा जो है वो किसी और काम के लिए दिया गया था. इट वॉज जस्ट $100 फॉर वन लोगो, विच इज़ अ मेस, अ शिट राइट नाउ. सो आई कंटिन्यू मोर वीडियोज, प्लीज स्टे ट्यून्ड.